बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्पेक्टेटर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उस्मान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। बट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट होल ऑफ माई वीडियोज़ लाइव ऑन यूट्यूब। कमिंग टूवर्ड्स अवर आर्टिकल टूडे, तो आज का हमारा आर्टिकल है स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयोनिक सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, आयोनिक सॉलिड में हर केटाइन जो होगा उसको सराउंड किया होता है एनाइंस ने। हर केटाइन के इर्द गिर्द क्या पाए जाते हैं, एनाइंस। से सोडियम क्लोराइड में एक केटाइन ले लो तो उसके इर्द गिर्द एनाइन कितने होंगे, 6। अब उसके बाद आ जाता है कि अगर आप एक एनाइन ले लो तो एनाइन के इर्द गिर्द केटाइन भी कितने होंगे, वो भी 6 होते हैं। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक केटाइन के इर्द गिर्द एनाइन और एक एनाइन के इर्द गिर्द केटाइन्स की तादाद कितनी होगी। तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, एक केटाइन के इर्द गिर्द 6 एनाइन हैं और एक एनाइन के इर्द गिर्द 6 केटाइन है। हाउ यू विल डिसाइड दैट हाउ मच आइंस विल सराउंड एन आइन, उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने आइंस अपोजिट आइन एक आइन को सराउंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ आइंस अपोजिट आइंस विच कैन सराउंड एन आइन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, और फॉर NaCl इट्स वैल्यू इज 6। 6 मीन अगर आपके पास एक केटाइन होगा तो उसके इर्द गिर्द एनाइन कितने होंगे, वो भी 6 होंगे, और अगर एनाइन होगा तो उसके इर्द गिर्द केटाइन कितने होंगे, वो भी 6 होंगे। तो डियर स्पेक्टेटर्स, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन रेडियस रेशो, इट विल डिपेंड अपॉन रेडियस रेशो। और रेडियस रेशो जो होती है वो इक्वल टू होती है साइज ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एनाइन। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इनफैक्ट किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ आइंस पे, और साइज ऑफ आइंस से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, साइज ऑफ आइंस से हम निकालते हैं रेडियस। अगर रेडियस रेशो, अगर रेडियस रेशो का आंसर कितना आता है, अगर रेडियस रेशो का आंसर 0.115 से 0.225 तक आता है तो इसका जो रेडियस रेशो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा नंबर 3 होगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो ऐसी ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं ट्राइगोनल ज्योमेट्री। ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है, 3 कोनों वाली। और अगर रेडियस रेशो का आंसर 0.225 से
0.414 के लगभग आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा, वो 4 होगा, जैसे MnCl4 का होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो इस ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सच ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का आंसर जो है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आर रेडियस रेशो 0.414 से लेकर कितनी हो जाए 0.737 तक चली जाए, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किसका है, NaCl का, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल। फॉर एग्जांपल NaCl की अरेंजमेंट कौन सी होती है, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल, 8 कॉर्नर वाली अरेंजमेंट। और अगर रेडियस रेशो 0.737 से लेकर 1 तक चली जाए तो देन कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा, वो 8 होगा। और ऐसे ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं क्यूबिकल, जैसा कि है सीजियम क्लोराइड। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री डिपेंड करती है साइज ऑफ आयंस के ऊपर, साइज ऑफ आइंस के ऊपर। तो साइज ऑफ आइंस से क्या निकलता है, रेडियस रेशो। फॉर एग्जांपल NaCl की रेडियस रेशो 0.52 निकलती है, और अगर 0.52 निकले तो ये किसके इन बिटवीन है, ये है 0.414 से लेकर 0.373 के लगभग इसके इन बिटवीन आ रही है। और अगर रेडियस रेशो इसके इन बिटवीन आती है देन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। और ऐसी अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि सीजियम के केटाइन का साइज डिफरेंट होता है, तो सीजियम क्लोराइड को लेंगे तो सीजियम क्लोराइड के अंदर ये जो रेडियस रेशो निकलती है वो कितनी निकलती है, वो निकलती है 0.737 से लेकर 1 के इन बिटवीन। अगर इतनी होगी देन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, देन कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। ऐसी ज्योमेट्री को हम नाम या अरेंजमेंट को नाम देते हैं क्यूबिकल अरेंजमेंट। क्योंकि सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में साइज ऑफ आइंस डिफरेंट हैं, तो साइज ऑफ आइंस डिफरेंट होने की वजह से बोथ विल हैव डिफरेंट ज्योमेट्रीज, दोनों की ज्योमेट्रीज डिफरेंट होंगी, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अब आ जाते हैं कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द साइज ऑफ आइंस, साइज ऑफ आइंस, आइंस का साइज हम कैसे लिखेंगे, आइंस को रिप्रेजेंट की कैसे करेंगे। क्योंकि सोडियम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। बेटा जब इसका केटाइन प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी रह जाती है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बरक्स हम क्लोराइड को लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है, A9 बना देता है, एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 17 से बढ़कर कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है A9 का साइज हमेशा क्या होगा, बड़ा, और केटाइन का साइज क्या होगा, छोटा। तो केटाइन जब भी लिखा जाएगा वो स्मॉलर साइज का होगा, और A9 जो है, जो कि क्लोराइड आयन होगा, उसका साइज क्या होगा, लार्जर होगा। अब हम कहते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस कितना होगा, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। एक्सरेज की स्टडी कंफर्म करती है कि दो
सेम क्लोराइड आइंस के दरमियान फासला कितना होता है? वो होता है टोटल डिस्टेंस निकलेगा 5.63 एंगस्ट्रॉम। लेकिन दो अगर हम लेंगे दो एनाइन तो बीच में क्या पाया जाएगा? केटाइन भी पाया जाएगा, क्योंकि एनाइन के सामने एनाइन नहीं आता, केटाइन आता है। तो दो अपोजिट आइन में फासला कितना होगा? वो होगा 5.63 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2.815 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब है NaCl के अंदर अपोजिट आइंस में डिस्टेंस कितना होगा? होगा 8.15 एंगस्ट्रॉम। तो फर्स्ट डेफिनेशन है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड डेफिनेशन है साइज ऑफ आइंस, थर्ड डेफिनेशन है इंटर आइनिक डिस्टेंस। नाउ फोर्थ इसमें क्या है? इसके अंदर NaCl की ज्योमेट्री में फोर्थ डेफिनेशन क्या है और फोर्थ हेडिंग क्या है? फोर्थ हेडिंग इसके अंदर आ जाती है फॉर्मूला यूनिट। तो हम ये भी जानते हैं क्योंकि NaCl जो है ये नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता तो हम ये कहते हैं इसमें देर आर मैनी मैनी केटाइंस एंड मैनी एनाइंस, इसमें कई केटाइंस होंगे और कई एनाइंस होंगे, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं NaCl इज नॉट ए मॉलिक्यूल, अगर ये मॉलिक्यूल नहीं है बट इट इज इट्स फार्मूला यूनिट। ये एक फार्मूला यूनिट है और एक कंपाउंड है। तो NaCl एक फार्मूला यूनिट होगा और कंपाउंड होगा। ये इसकी फोर्थ हेडिंग आ गई। फिफ्थ हेडिंग NaCl की ज्योमेट्री में हम किसकी लिखेंगे? तो डियर स्पेक्टेटर्स, इसमें फिफ्थ हेडिंग हम लिखेंगे नंबर ऑफ आइंस इन ए यूनिट सेल, इन ए यूनिट सेल, नंबर ऑफ आइंस इन ए यूनिट सेल। इनफैक्ट होता ये है कि NaCl की ज्योमेट्री के अंदर, NaCl की ज्योमेट्री के अंदर देर आर क्लोराइड आइन, कितने क्लोराइड आइन होते हैं? 8 क्लोराइड आइन। किस पर पाए जाते हैं? ऑन ईच कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, हर कॉर्नर पर 8 क्लोराइड हैं। बट ईच हर क्लोराइड आइन जो होता है इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, हर कोने को 8-8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। कैसे? से ये एक कॉर्नर है हमारे पास, इस कॉर्नर को कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं? 1, 2, 3, ये तो थे बॉटम पर, छत पर भी होंगे 1, 2, 3 और 4। तो हमने कंक्लूड कर लिया 4 कमरे नीचे हों, 4 छत पर हों, तो एक कोने को कितने कमरे शेयर कर रहे हैं? 8। तो इसका मतलब ये है कि क्लोराइड आइन कॉर्नर वाले ईच कॉर्नर क्लोराइड आइन जो है फॉर वन यूनिट सेल। अगर एक यूनिट सेल होगा तो वो कितने होंगे? तो टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8 क्लोराइड आइन है 8 कॉर्नर पर, तो एक यूनिट सेल के हिस्से कितना आएगा? हर एक का 1/8। 1/8 क्यों आएगा? क्योंकि हर एक को 8-8 शेयर कर रहे हैं। हमारे कमरे की मिसाल ले लें, इसके दाएं भी कमरा हो, सामने भी हो, दूसरे कॉर्नर पर भी हो, 4 छत पर हो, तो एक कॉर्नर को कितने कमरे शेयर करेंगे? 8। तो हमारे इससे कितना आएगा कॉर्नर का? 8th। तो 8 कॉर्नर हैं, हर एक का 8th पार्ट निकालें तो वो निकलेगा 1 क्लोराइड आइन। तो बेसिकली NaCl की ज्योमेट्री में फेसेस कितने होते हैं? देर आर 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस में क्या लगे हुए हैं? 6 क्लोराइड आइन लगे हुए हैं। और ईच फेस, हर फेस जो होगा, हर दीवार जो होगी इज शेयर्ड
बाय टू यूनिट सेल्स, हर फेस को टू यूनिट सेल्स शेयर कर रहे हैं। अगर हर फेस को टू यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं तो एक के हिस्से कितना आएगा फॉर वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के हिस्से कितना आएगा, टोटल सिक्स फेस वाले क्लोराइड है तो एक के हिस्से कितना आएगा, हर एक का हाफ, क्योंकि दो शेयर कर रहे हैं एक के हिस्से हाफ आएगा, तो हाफ कितना होगा, थ्री क्लोराइड आइन। तो टोटल क्लोराइड आइन कितने होंगे, वन प्लस थ्री, तो एक यूनिट सेल में टोटल क्लोराइड आइन कितने होंगे, फोर क्लोराइड आइन। और अगर क्लोराइड को सोडियम के साथ रिप्लेस करेंगे तो सोडियम भी कितने निकलेंगे, फोर। तो प्रूव हो गया एक यूनिट सेल में क्लोराइड आइन कितने होते हैं, फोर, और सोडियम आइन कितने होते हैं, वो भी फोर पाए जाते हैं। ये तो दी डियर स्पेक्टेटर्स हमारे पास डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अब हम देखते हैं कि NaCl के स्ट्रक्चर को ड्रा कैसे करना है। NaCl के स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए हम कुछ चीज़ों को पहले ऊपर राइट डाउन कर लेते हैं। राइट डाउन करने के लिए लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि ये आपके पास क्या मौजूद है, दिस इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ये सोडियम का केटाइन है, ये सोडियम का केटाइन है, और ये जो आपके पास रेड वाला है, रेड वाला ये क्या है, ये आपके पास वो क्लोराइड आइन है जो कि किधर होंगे, विच आर प्रेजेंट इन दी फेसेस, जो फेसेस के अंदर होंगे, ये वो क्लोराइड आइन है जो कि फेसेस के अंदर होंगे, और बेसिकली ये वो क्लोराइड आइन है जो कि किधर होंगे, विच आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, ये कॉर्नर वाले हैं। अब इसको मद्देनज़र रखना है, हम स्ट्रक्चर ड्रा करने वाले हैं, तो स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए लेट्स सपोज सबसे पहले हम कॉर्नर वाले एट क्लोराइड आइन ड्रा करते हैं, एक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा दी कॉर्नर क्लोराइड आइन, नंबर वन दिस वन इज कॉर्नर क्लोराइड आइन, नंबर टू इज दिस वन कॉर्नर क्लोराइड आइन, नंबर थ्री इज दिस वन कॉर्नर, नंबर फोर कॉर्नर क्लोराइड आइन। नाउ प्लेस दिस वन, दिस इज अनदर वन, दिस विल बी अनदर वन, दिस विल बी अनदर वन, and this one will be the another one. There are total eight corner chloride ion. Now attach all of these two. Now place these two, and these two. These are the chloride ion which were present on the corner. In fact, in between each of two chloride ion, there is sodium ion. This is the sodium ion. This is the sodium ion. This is the sodium ion. In these two, sodium ion, sodium ion, sodium ion. In these two there is sodium ion, in between sodium ion, in between these two sodium ion, in between these two sodium ion. Now attach all of the sodium ions one by one. If we attach all of the sodium ion one by one, how will we will attach them, this one, this one, this one, now this one, this one, and another one is here. Combine these two. When we have combined all of these, there is another one. If we can add these two sodium ion together, these two sodium ion together,
दीज टू सोडियम आइन टूगेदर, दीज टू सोडियम आइन टूगेदर. नाउ इन फैक्ट इन बिटवीन फोर ऑफ द सोडियम आइन, फोर ऑफ द सोडियम आइन देर इज क्लोराइड आइन. इन बिटवीन दीज फोर देर इज क्लोराइड आइन. इन बिटवीन दीज फोर देर इज क्लोराइड आइन. इन बिटवीन दीज फोर देर इज क्लोराइड आइन. इन बिटवीन नाउ देर आर फोर क्लोराइड आइन. कंबाइन ऑल ऑफ दोस, दीज टू एंड दीज टू. नाउ व्हाट इज दिस सिचुएशन? इन बिटवीन दीज टू सोडियम आइन देर इज क्लोराइड आइन. इन बिटवीन दीज टू सोडियम आइन देर इज क्लोराइड आइन. नाउ कंबाइन दीज टू क्लोराइड आइन टूगेदर एंड इन बिटवीन ऑल ऑफ दीज देर इज अ सोडियम आइन. नाउ व्हाट इज द करंट सिचुएशन? इन दिस करंट सिचुएशन हाईलाइट दीज वन, विच क्लोराइड आइन्स आर प्रेजेंट ऑन द फेसेस. In fact, it is proven that in between or along this sodium ion, there are six chloride ion which have surrounded it. So we have proved that each sodium cation is surrounded by six anions. Each sodium cation is surrounded by six anions, and such is called as coordination number, and such arrangement is called as octahedral arrangement. तो NaCl की geometry में जो arrangement आएगी उस arrangement को हम नाम देते हैं octahedral arrangement. This is the whole of the geometry of NaCl.